नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे लोकप्रिय हिंदी न्यूज यूट्यूब चैनल बगरा न्यूज राजस्थान। तो चलिए पेश करते हैं आज की बड़ी खबर। नैनवा में मंत्री अशोक चांदना के समर्थन में उत्तरामीणा समाज जुलूस निकालकर किया मंत्री अशोक चांदना का समर्थन। नैनवा में मीणा समाज के लोगों ने मंत्री अशोक चांदना पर लगे आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया। और हमारे ऐसे ईमानदार जो मंत्री हैं, उसके जिन प्रकार का आरोप लगा रहे हैं, इसको विशेष तौर से आप ही हमारे मंत्री महोदय की टिप्पणी करेंगे। ऐसा ईमानदार 70 साल में हमारे को मंत्री मिला है। मीणा जी से काड़ोलाल मीणा पंचायत समिति सदस्य नैनवा, मैं इस बात की खंडना करता हूं कि अशोक जी चांदना साहब ने मीणा समाज के विपरीत किया है। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ किया है। मीणा समाज हमेशा अशोक चांदना के साथ रहेगा, था और अब भी भविष्य में रहेगा। अशोक चांदना और एक्शन साहब के बीच कुछ बात हुई है, नोकझोंक हुई है, उसमें स्पष्ट है, वीडियो में ऑडियो में स्पष्ट है कि चांदना जी ने कोई मीणा समाज के लिए कोई गलत शब्द नहीं बोले। ओनली अधिकारी के लिए, जो भ्रष्ट अधिकारी है उसके लिए जो चीज बोली है वो बोली है। उनका मकसद है कि अपना जो इंडोली विधानसभा है इसमें से भ्रष्टाचार समाप्त हो, ये चीज उनका लिए अहम है। और जिस गांव के लिए उन्होंने ये पहल उठाई है, उस गांव में भी पूरा मीणा समाज है, तो उन्होंने मीणा समाज के लिए ये हित में काम किया है। और मीणा समाज इस चीज का खंडन करता है। मीणा समाज उनके साथ है, पहले भी था और रहेगा। जो भ्रष्ट अधिकारी की कोई जाति नहीं होती, और मीणा समाज भ्रष्ट अधिकारियों के साथ नहीं है, और मीणा समाज एक ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ, जो हमारे विधानसभा में 70 साल के बाद में एक मंत्री मिला है, और उस मंत्री ने आज नीचे के किसानों के दुख दर्द को समझता है और किसानों की पीड़ा को लेकर इस प्रकार से मंत्री को दबाने का षड्यंत्र प्रयास किया जा रहा है, इसे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और मीणा समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। जय हिंद, जय भारत। समाज ने बदनाम कर और मीणा ने कर लगा साहब मीणा के साथ करे थे, मीणा के साथ मतलब को मतलब भी हो, तो मेरा मंत्री जी के साथ रहेगा मीणा, सभी मीणा मंत्री जी के साथ रहेंगे। राजस्थान की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का निशान दबाएं।